गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले क्लास में तो नाउन से रिलेटेड जो था हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन था वो खत्म कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे नाउन सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान दे रहे थे। तो देखिए आप इसको बना दे रहे हैं, क्वेश्चन ए में क्या है बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन ए में करना क्या है, सिंगुलर नाउन आपको प्लूरल में बताए हुए हैं। सिंगुलर नाउन में होता क्या है कि हम लोग किसी एक चीज की चर्चा करते हैं, प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा करता है तो प्लूरल रहता है, टू और मोर देन टू। ठीक है, तो देखिए जो पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 है और 12, पेज 12 पे क्वेश्चन ए में कितना 33 हम लोग का सिंगुलर और प्लूरल दिया गया हुआ है। 33 तो सिंगुलर प्लूरल दिया गया हुआ है उसमें, इसी में से खोज करके हम लोग को जो बॉक्स है उसको भरना है। तो देखिए जो सबसे पहला आप लोग का जो है लिखा हुआ है, जो बॉक्स बनाया गया उसमें, कि हम लोग वैसे वैसा वाला वो चुन के इसमें लिखना है जिसमें हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, एस को ऐड किए हैं, क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। तो पहले वाले में क्या है, एस को सिर्फ ऐड करके जो भी प्लूरल बनाया गया है उसको लिखना है। दूसरे वाले में क्या करना है हम लोग को, तो जिसमें जो भी सिंगुलर नाउन एस में खत्म होता हो, जो भी सिंगुलर नाउन क्या चीज में खत्म होता हो, एस में और डबल एस में खत्म होता हो, और एस जो भी उसमें क्या किया गया होगा, बनाया होगा। ठीक है ना, बनाया गया होगा तो क्या होगा, वो हमारा दूसरा नंबर वाले में लिखना है। तीसरे वाले में जो भी सिंगुलर सी एच में खत्म हुआ, क्या चीज में, सी एच में खत्म हुआ हो, उसको क्या करना है हम लोग को, उसमें अगर एस लगा करके क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा, उसको लिखना है तीसरे वाले में। चौथा में क्या लिखना है, तो जो भी सिंगुलर नाउन एस एच में खत्म हुआ होगा उसमें एस लगा करके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, जो भी कैसे में खत्म हुआ होगा हम लोग का चौथा में एस एच, एस एच मैंने कोई भी, देखिए जी अच्छे से समझिए, जैसे मानिए कोई भी क्लास सी एल डबल एस, डबल एस से खत्म हो रहा है तो डबल एस वाला कौन सा है, सिंगल एस या डबल एस वाला दो नंबर है में खत्म हो रहा है, उसका प्लूरल क्या चीज बनता है, एस लगा करके, तो दो नंबर वाले में लिखेंगे। उसी तरह करके है ना सारा जो है, जैसे पांचवा में क्या है, कोई भी वर्ड एक्स में खत्म होता हो अगर उसमें एस एड करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो उसको किसमें लिखेंगे, पांचवे में। सिक्स नंबर में कोई भी सिंगुलर नाउन जो ओ में खत्म होता हो और एस एड करके उसका प्लूरल बनाते हैं उसको सातवें में लिखेंगे, सिक्स में जो ओ में खत्म होता हो एस लगा करके हम लोग बनाते हैं वो सिक्स नंबर है। सेवेंथ नंबर में क्या है, जो भी सिंगुलर नाउन ओ में खत्म होता हो और हम लोग उसमें सिर्फ एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते होंगे वो सात नंबर में। आठवा, जो भी सिंगुलर नाउन ओ में खत्म होता हो और उसका प्लूरल हम लोग बनाते हो एस या एस से बनाते हो, ठीक है, एस और एस से बनाते हो दोनों से। नौ नंबर, जो भी सिंगुलर नाउन ए ई ओ यू आता हो वाई से पहले, मतलब लास्ट लेटर क्या होना चाहिए किसी भी वर्ड का, वाई, लास्ट लेटर किसी भी वर्ड का क्या होना चाहिए, वाई, और उसके पहले ए ई ओ और यू में से कोई भी आएगा तो उसका प्लूरल अगर एस लगा के बनता है तो उसको लिखेंगे हम लोग नौ नंबर में। उसके बाद दस नंबर में कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन कंसोनेंट और वाई से खत्म होता है, जैसे कि मैंने कोई वर्ड लिखते हैं हम लोग, मानिए एक अल्फाबेट एक है, जैसे कि कोई वर्ड लिखे हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये क्या हो रहा है, वाई में खत्म हो रहा हो और इसके पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, ये जो क्या हमारा कंसोनेंट हो, क्या हो, कंसोनेंट, तो क्या होगा हम लोग वहां पे क्या करेंगे कि हम लोग प्लूरल वहां आई को क्या, वाई को क्या चीज बदला जाता है, आई में, क्या चीज में, आई में बदल देते हैं, वाई हटा के उस जगह पे आई लिखते हैं और एस जोड़ते हैं तो क्या होता है वो हम लोग का, वैसे को हम लोग दस नंबर पे लिखेंगे। फिर से दस नंबर समझिए, लास्ट लेटर वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो और उसको हम लोग प्लूरल बनाने वक्त वाई को आई में बदलते हो और एस जोड़ते हो तो दस नंबर। ग्यारह नंबर में क्या है, कोई भी सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई में खत्म होता हो उसका प्लूरल
एफ और एपी को भी में बदल करके और एस जोड़ने पे बनता हो उसको 11 नंबर में लिखेंगे। तो इसको करके आइएगा, ठीक है। अब यही क्या हुआ, यही हमारे यहाँ होमवर्क रहेगा। अब इसको करके आइएगा अगले क्लास का, अगले क्लास का तो नहीं लेकिन बाद में हम आपको कराएंगे ये चैप्टर खत्म होने पे, ठीक है। अब इसको करके आइएगा अच्छे से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।